से जोड़ा गया है। मैं जानता हूँ कि स्वच्छता की जानकारी जितनी हमारे प्रेरकों को है उतनी शायद आप लोगों को नहीं होगी, लेकिन आपको इसमें किसी भी प्रकार की अगर मदद की आवश्यकता पड़े तो मैं स्वच्छ भारत मिशन से जिला मास्टर ट्रेनर जितेंद्र आतिया आप लोगों के लिए 24 घंटे, आप जब भी मुझे स्वच्छता के प्रति कहीं पर भी बुलाओगे मैं आपकी हर पंचायत में हर गांव में जाने के लिए तैयार हूं और आप लोगों की फुल मदद करने के लिए तैयार हूं। सबसे पहली बात मैं आपको एक छोटा सा टूल्स बता देता हूं इसमें कि आपको अगर इसमें मंजिल को अगर हासिल करना है तो किस तरीके से करेंगे। हमारे पास में हम आपको एक रजिस्टर अलग से वितरण करवा देंगे तो वो रजिस्टर मेरे पास मिल जाएगा आपको, ये यहीं से दिला दूंगा मैं जिला से सभी के पास में, मतलब आपको ब्लॉक में हम कह देंगे जो कि ब्लॉक से आप लोगों के पास में रजिस्टर पहुंच जाएगा स्वच्छता का। उसमें आप हमारा सबसे बड़ा टूल्स रहेगा कि आप जब स्वच्छता के घर घर जाकर के जब सर्वे करोगे उस सर्वे में लोगों को ये बोलना है आपको कि ये जो सर्वे हम कर रहे हैं ये सर्वे जिस व्यक्ति का प्रधानमंत्री आवास में नाम अभी नहीं आया है वो व्यक्ति का ये सर्वे हम यहाँ से करके लेके जाएंगे, ये सर्वे सीधा भोपाल जाएगा और जब ये सर्वे भोपाल जाएगा तो जिस व्यक्ति का प्रधानमंत्री आवास में नाम छूटा है वो आपका इस सर्वे के माध्यम से वापस हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि 100% व्यक्ति अपने घर में शौचालय बना लेगा। मैं जहाँ पर भी जाता हूँ मेरे को 1 महीना लगता है खाली एक पंचायत को ODF करने में, चाहे कितनी बड़ी पंचायत हो। आज मैं 6 पंचायत ODF कर चुका हूँ और 5 पंचायत मेरी इसी फरवरी में 28 फरवरी तक मेरी जो है ODF हो जाएगी। तो मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल इसमें निराश ना होइए और किसी के भी ना तो खाद्यान्न पर्ची कटवाने की बात कीजिए, क्योंकि देखिए हमारा काम ही है लोगों का व्यवहार परिवर्तन करना, हमें लोगों का व्यवहार परिवर्तन करना है। अगर हम व्यक्ति को डरा करके चमका करके अगर उसका शौचालय बनवाएंगे तो